जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने दुनिया भर में कवाली की और अब आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे कवाली की रवायत मेमन्स ने डाली है, मेमन सुपरमार्केट वालों ने इस इलाके में। मैं ओंटारियो की बात नहीं करती, इस इलाके। अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया। हाँ जी, तो आप प्लीज़ ये हमें बताइए, हमारे नाजरीन को ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आज आप एक थोड़ी सी मुख्तलिफ ऑडियंस के साथ डील कर रहे हैं। मुख्तलिफ ऑडियंस तो नहीं है, ये सारे हमारे फॉलोअर्स हैं। ये है कि एक नई जगह के अंदर कवाली हो रही है और नो डाउट ये मेमन सुपरमार्केट वालों ने जो ये बुनियाद डाली है, ये बहुत बड़ी बात है। कवाली नो डाउट इस वक्त बहुत ज़्यादा सुनी जा रही है, मगर इस इलाके के अंदर जो इन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया है, ये कवाली के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है। और ज़िंदगी बखैर हम नहीं आएंगे, अगले आएंगे कोई ना कोई, अब कवाली यहाँ पर इस एरिया में कवाल आते रहेंगे। तो ये एक रवायत कायम की जा रही है यहाँ पे। जी बिल्कुल। तो आप अपनी सकाफत को लेके चलते हैं दुनिया भर में, आपको आज तक किस जगह पे सबसे अच्छी ऑडियंस मिली और आपको खुद भी बहुत मज़ा आया? देखें, एक हकीकत अगर मैं आपको बयान करूं कि दुनिया भर में शायद मैं कोई 70 मुल्क आऊँगा, पता नहीं 80 मुल्क आऊँगा, याद भी नहीं है। ट्रैवलिंग के तकरीबन 40 साल हो गए। ताल्लुक़ हमारा दिल्ली से है और आज भी अच्छी ऑडियंस हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में मिलती है। मैं पिछले साल इसी साल शुरू में वहाँ गई और मेरे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि मैं उनके दरबार पे हाजिरी के लिए गई और मैंने लाइव कवाली को देखा। तो आप क्या समझते हैं कि इस कल्चर को ज़िंदा रखने में दिल्ली इस वक्त बहुत काम कर रहा है, किस जगह पे बहुत काम हो रहा है कवाली कल्चर के लिए? काम तो पाकिस्तान में हो रहा है, कवाली को ज़िंदा रखने का काम इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। नो डाउट इंडिया में कुछ जगहों पे मज़ारात में इसको जो है लाइव रखा हुआ है, मगर कव्वाली में अगर इस वक्त आप बात करेंगे तो पाकिस्तान उसमें कराची और पंजाब में जब अतराफ के जो लोग हैं वहाँ पर कव्वाली बहुत ज़्यादा पढ़ी जा रही है और अच्छी पढ़ी जा रही है, ख़राब भी पढ़ी जा रही है। जो लोग उसको कुछ और शक्ल दे देते हैं जिसको हम कव्वाली नहीं मानते, मगर अच्छी कव्वाली पाकिस्तान में हो रही है। फ़न और फनकार को ज़िंदा रखना बहुत मुश्किल है और आज के दौर में कवाली ख़ास तौर पे उन फ़नून में से आती है जो बहुत चैलेंज से गुजर रहे हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है? चैलेंज से गुजर रहे थे, अब नहीं गुजर रहे, अब कवाली को प्लेटफॉर्म मिल गया है। अगर आप कहीं भी देखेंगे, हर जो गज़ल वाला है वो सूफ़ी म्यूज़िक कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंटल है वो सूफ़ी म्यूज़िक कर रहा है, कोई क्लासिकल है वो सूफ़ी म्यूज़िक कर रहा है, तो हम तो उसकी बुनियाद हैं। एक वक्त नशीब व फराज आए, मगर अब कवाली को प्लेटफॉर्म मिल चुका है। ओवर द वर्ल्ड कवाली जो है बहुत सुनी जा रही है और पाकिस्तानी कवाली सुनी जा रही है। पाकिस्तानी मैं इसलिए कहूँगा कि जितने भी लोग इस वक्त नोन हैं वो पाकिस्तान से हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अभी भी वहाँ पे घराने मौजूद हैं, उस्ताद मयस्सर हैं लोगों को इस फील्ड में आने के लिए? जी बिल्कुल, लोग आ रहे हैं, हमसे मुस्तफीज़ होते हैं और जो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अगर देखते हैं कि इसको ज़रूरत है इसकी नोक पलक सही करने की, हम उसको सिखाते हैं। इस तरह सैकड़ों लोग हैं जो इस खिदमत के अंदर मौजूद हैं, जो खिदमत भी कर रहे हैं और अपना पेट भी पाल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मैंने टाइम लिया लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत खुशी हुई कि आपको अपने फ़न से बहुत मोहब्बत है। थैंक यू वेरी मच। फ़न से मोहब्बत इसलिए है कि जो कुछ दिया है इस फ़न ने दिया है। मेरे पास कव्वाली 750 साल से हो रही है। जो मैंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जिक्र किया, तो मोहब्बत तो होनी चाहिए, मोहब्बत करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे। बिल्कुल। आखिर में तमाम नाज़रीन जो टैग टीवी से मुंसलिक हैं उनके लिए मैं दुआ गो हूँ, इस टीवी के लिए कि मालिक इसको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और जब इनको तरक्की हो जाए तो ये हमें ज़रूर याद रखे। थैंक यू। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, समझने वालों को मेरा सलाम और मेरे ग्रुप का सलाम। आज हम यहाँ पर मेमन शॉपिंग सेंटर में यहाँ पर आज आए हुए हैं। आते ही मुझ पर एक बड़ा पॉजिटिव मुझे एहसास हुआ कि जैसा इन लोगों ने इसको सजाया है,
यहाँ पर कवाली नाइट रखी है और मुझे बड़ी खुशी है कि ये एक बड़ा मोतबर इदारा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो सेटिंग है मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर तकरीबन सारे लोग समझदार संजीदा सुनने के लिए आ रहे हैं। उसमें यूथ भी है आपकी और मेरी उम्र के नौजवान भी हैं, तो आई एम 72। और आपका ताल्लुक? मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, और जहाँ तक बैकग्राउंड का ताल्लुक है, मैं और मेरे आबाओ अजदाद मतलब फादर फोर फादर एंड हम लोग गुज़श्ता 750 साल से फन कव्वाली से वाबस्ता हैं। हमारे जो जद्द आला थे हज़रत अमीर खुसरौ के दौर में, उनका नाम मियाँ सामत बिन इब्राहिम था, जो तारीख़ में कव्वाल बच्चों के नाम से मशहूर हैं। हमारा ये घराना, मेरी ये फैमिली, इसमें सारे के सारे मेरे घर के लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे भाई हैं, और हम जब से लेकर अब तक कव्वाली की खिदमत और सकाफ़त की खिदमत में लगे हुए हैं, या ये कहिए कि सकाफ़त और कव्वाली ने हमको खिदमत में लगाया हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पर आज या आज की महफिल, इंशाल्लाह ताला आप लोग बड़े मुस्तफीद होंगे, महसूस होंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी और मेरी तरफ से आप लोगों को तमाम लोगों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे जो कव्वाल हैं उनकी फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना तारुफ करवाएं। जी आप प्लीज़ अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम समीहा है, मेरे हस्बैंड फरीद अयाज और अबू मोहम्मद इनकी वाइफ है, आसिया है, अबू मोहम्मद का नाम है। तो आप के हस्बैंड यहाँ करते रहते हैं कव्वाली, आपको कैसा महसूस हो रहा है कनाडा में ये पूरा माहौल देख के और इस परफॉर्मेंस के साथ? ये बहुत अच्छा लग रहा है और कई दफ़ा आ चुके हैं ये लोग, आते रहते हैं माशाल्लाह, कनाडा अमेरिका ये सारी जगह हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहना चाहिए पूरी दुनिया में घूमते हैं और सारी दुनिया को ही पसंद है, हमें तो ज़्यादा ही पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको लगता नहीं कि जो टोरंटो के लोग हैं बहुत ज़िंदा दिलान हैं और ओंटारियो के लोग इस सब चीज़ों की बहुत पज़ीराई करते हैं? जी, बहुत ज़्यादा। कोई शक नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगी किस बारे में, कव्वाली के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी बस यही पैगाम है हमारी तरफ से कि हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें क्या सबको पसंद आता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब हमारे मालिक का करम है, कोई काबिल नहीं, आज ही बहुत है और आज ही अल्लाह को बहुत पसंद है। बेशक सारी दुनिया माशाल्लाह घूमते हैं, पाकिस्तान से लेके हर जगह अल्लाह बड़ी इज्जत दिया है, बड़ा करम अल्लाह का एहसान, और हम तो घूमने आते हैं। बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे और लोगों को सुनने का मौका मिलता रहे। थैंक यू सो मच।